आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय आज के ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके इस योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको हमने कानून का रूप दिया था, एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग वो जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है। और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी, जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है, और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूँ, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया, हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था, और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। वो दौर था जब सारी अखबारें बंद कर दी गई थी, कोई भी अखबार छप नहीं सकता था, अगर छपने की बात कुछ इजाजत कहीं जगह दी गई तो सिर्फ वही छप सकता था जो सरकार की ओर से छपता था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी स्थिति रही कि कुछ लोगों ने आज मीडिया पर भी जिस प्रकार से टिप्पणी की वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मित्रों, आज जहां तक इस बिल को उन्होंने रिपील किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इस बिल को फिर से हम विधानसभा के अंदर लाएंगे और जो सम्मान राशि जितनी हम देते हैं, दे रहे थे, उससे ज्यादा देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इस बात को लेकर के और भी ज्यादा लगा जब मंत्री जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री हाउस से चले गए और मंत्री जी के जिम्मे लगाया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर सके, ये उन्हें विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की सारी चीजों को, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस भी आज की तारीख में बातें कर रही है, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेगी, लोकतंत्र रहेगा तो सरकारें रहेंगी,
लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ये लोकतंत्र पर आ रही बिल पे अगर विपक्ष ने वोट किया है ये स्वाभाविक है क्योंकि इनका लाया हुआ बिल था। ये तो एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरह से अपने पार्टी के लोगों के अपने चहेतों को लोगों को दिया जाए और विशेष करके वो लोग जो समाज में उच्च पद पे बैठे हों जो समाज में साधन संपन्न लोग हों। ये तो एक उदाहरण है और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 3 करोड़ 44 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व मंत्री हैं पूर्व विधायक हैं और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नी विधायक के परिवार है या सांसद है उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपए और 20,000 रुपए महीने का देना वो तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं उनके पास खाने की रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हो उनकी जेबों में जाए तो ये तो उचित नहीं है। और उनको ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानी है ये लोग तो इमरजेंसी के दौरान जो है केवल और केवल प्रिकॉशनरी मेजर क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त इंटरनल डिस्टर्बेंस थी देश के अंदर जो अस्त व्यस्त सिस्टम ना हो जाए उसने इमरजेंसी लगाई गई है और इस इमरजेंसी में प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जिनको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था और उनको स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर जो है उनका उल्लेख करना और उनके बराबर उनको सम्मान देना उनके बराबर कहना। मैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनका हिंदुस्तान की लड़ाई में आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से जो लड़ाई हो रही थी हिंदुस्तान आजाद करने की भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी उनकी जो किताब है माई कंट्री माई लाइफ उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम तो जो 1947 से पहले आरएसएस की शाखाएं चलती थी उसमें हम हिंदुत्व का प्रचार करते थे उसमें देश को आजाद करने के बारे में जो है विचार विमर्श और उसकी आजादी की लड़ाई लड़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। मैं उन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान को आजाद करने में अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जो माई कंट्री माई लाइफ ऑटोग्राफी में कह रहे हैं। आज 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 इनके पास आज मुद्दा नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। आज इनको जब ये बिल विधानसभा के अंदर निरस्त करने के लिए आया उस वक्त इन्होंने इसे अपनी गुबार निकाल दी। इन्होंने अपनी जो भड़ास है अपनी सरकार के प्रति उनकी जो भड़ास है उसको निकाला है। ठीक है, उनका हक है, उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने अपनी इस बिल का विरोध किया क्योंकि उनका लाया हुआ बिल है और उन्होंने वॉकआउट भी किया है, उनका अधिकार है वॉकआउट किया है तो इट वॉज एक्सपेक्टेड वो करेंगे। ये तो चाह रहे थे इसको कंटिन्यू रहे मगर प्रश्न ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने देखना है कि सरकार का एक एक नया पैसा किसको दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देखना है। अगर पिछली सरकार ने गलत निर्णय किए हैं उस निर्णय को ठीक करना तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हमारे मुख्यमंत्री ने ये ठीक निर्णय लिया है। आप पैसा किसको दे रहे हो जो करोड़पति है, मैंने कुछ सूची पढ़ी उसमें से कांगड़ा के और शिमला के जो दुकानदार हैं बड़े बड़े दुकानदार बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके कईयों के अपने प्रोजेक्ट्स हैं कईयों के जिनके अपने जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर्स हैं। 90% लोग ऐसे लोग हैं। क्या वो 90% लोग जो वेल ऑफ हैं पॉलिटिकल लोग हैं क्या वो इसके हकदार हैं? और पॉलिटिकल लोगों को तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपनी पेंशन मिल रही है। कई लोगों को सांसद पेंशन भी मिलती है एमएलए की पेंशन भी मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लिया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखो सत्ता का दुरुपयोग पैसे का दुरुपयोग करना इट इज एन एग्जाम्पल एंड इट हैज नॉट बीन डन बाय एनी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। मैंने जैसे उल्लेख विधानसभा के अंदर कहा शांता कुमार जी तो खुद जेल में रहे हैं। शांता कुमार जी को दिन रहे उनकी सुखद याद नहीं है जब 1977 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार जी दोबारा दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दूसरी बार 1990 में बने उनको तो याद नहीं आई क्योंकि शांता कुमार जी जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है समझदार पॉलिटिशियन है। वो सरकार के एक एक पैसे का जनता के लिए खर्च करते हैं वो नेताओं के लिए नहीं खर्च करते। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी नहीं सोचा पॉलिटिकल लोगों को राजनीति के लाभ देने के लिए या उनको फाइनेंशियल वेल ऑफ करने के लिए अपने
आरएसएस के लोगों को देने के लिए शांता को धूमल साहब ने भी नहीं सोचा। इट इज ओनली मिस्टर जयराम ठाकुर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने सत्ता जो अपने जो सरकारी धन है उनको अपना धन समझ करके जो है उसकी धज्जियां उड़ाई। इट इज एन एग्जांपल। इट हैज नॉट डन बाय एनी स्टेट इन हिमाचल इन इंडिया। इट इज ओनली हिमाचल प्रदेश व्हिच हैज डन दिस।